गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी लीडर कोकिला है जो हमारी बुक, वो विषय क्या रहेगा हमारा, लेसन नंबर 11 युग पुरुष नेहरू जी। जो हमारे युग पुरुष नेहरू जी हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनका जीवन कैसे क्या हुआ, वो क्या बीती, कहाँ पर उनकी स्टडी हुई, कहाँ पर उनका जैसे गांधी जी से मिले, जो भी बातें हुई उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जो नेहरू जी थे वो अपने पिता की इच्छा अनुसार, नेहरू जी ने अपने पिताजी की इच्छा अनुसार बैरिस्टरी तो करने लगे। उन्होंने जो उनके पिताजी थे उन्होंने उनका एडमिशन कहाँ करवा दिया, बैरिस्टरी में। वो करने तो लग गए लेकिन उनका मन नहीं लगता था। कहाँ पर नहीं लगता था उनका मन, उनका मन बैरिस्टरी में नहीं लगता था। और वो सोचते थे कि जो किसान है हमारे, सब कुछ है, हमें अनाज देते हैं, अन्न देते हैं, वो इतने मैले कुचैले, इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते। जो जॉब करने वाले, नौकरी वाले जो लोग हैं वो इतने साफ अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जो हमारे किसान हैं वो इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते हैं, इतने मैले कुचैले क्यों पहनते हैं, क्या कारण है। तो क्यों पहनते हैं, किसानों को देखते थे तो उनका मन कहाँ उठता था। जब वो ऐसे किसानों को देखते थे तो उनका मन कहाँ उठता था कि ऐसे क्यों है, क्यों वो मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग शहर में रहते हैं वो साफ सुंदर अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो गांव में रहते हैं जो किसान लोग हैं वो मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं। तो जो और क्या करते थे, जो वो सोचते थे कि खेतों में लहू की बूंदे पसीने के रूप में बहाने वाले किसान फटे पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं। उनके मन में ये प्रश्न उठते रहते थे कि जो किसान हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, शहर वाले जो लोग हैं वो इतने सुंदर कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिद्धार्थ नाम का लड़का होता था, सिद्धार्थ के मन में भी यही प्रश्न उठते थे। क्या था, सिद्धार्थ के मन में भी यही प्रश्न उठते थे कि जो गांव के लोग इतने मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनते। तो दोनों ने अपने अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए क्या किया, देखते हैं कि जो बुढ़ापा है और रुग्ण और मृत शरीर को देखकर सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठते थे, बुढ़ापा क्यों आता है, रोग क्यों होता है, तो गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं, किसान सारे देश का अन्नदाता होने पर भी फटे पुराने कपड़े क्यों पहनता है। तो सिद्धार्थ भी अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए घर द्वार छोड़कर चले गए, मतलब कि अपना घर छोड़कर वहां से चले गए। नेहरू जी भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नेहरू जी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो गए। क्या क्या, जो बांकीपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जो नेहरू जी थे वो भी वहां पर चले गए अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। लेकिन उन्होंने वहां जाकर क्या देखा, देखा जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो लोग वहां बोल रहे थे माइक पर, जो भाषण दे रहे थे वे अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, और उन्होंने अंग्रेजी वेशभूषा पहने हुई थी क्योंकि उन्होंने सबने सूट बूट पहने हुए थे। उनके मन में फिर से प्रश्न उठा, ये जो लोग हैं ये ऐसे क्यों हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, और जो हमारे किसान हैं वो ऐसे मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनते हैं। तो जब वो इसी बात से वो निराश हो गए और वहां से वापस आ गए। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मन था वो बैरिस्टरी में बिल्कुल भी नहीं लगता था, और वो किसानों और गरीबों को जब वो देखते थे तो उनका मन उनकी ओर चला आता था। तो फिर क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के बाद नेहरू जी ने बम्बई, आजकल मुंबई में भी गांधी जी के दर्शन किए। तो क्या किया, लखनऊ के अंदर देखा तो जो लोग लखनऊ अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले, उसके बाद वो कहां पर आए,
लखनऊ में आए और किससे मिले, वो गांधी जी से। गांधी जी से मिलने के बाद उनके साथ लगकर उन्होंने बातचीत की, बातों सुन के वो गांधी जी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और जो जीवन की उन्होंने अपने जीवन की जो बागडोर थी वो गांधी जी के हाथों में सौंप दी और प्रतिज्ञा की कि वे गांधी जी की हर बात को मानेंगे, अब उनके कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने देखा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में भयानक हत्याकांड हुआ। क्या हुआ 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में? क्या हुआ? बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ। हत्याकांड की खबरें जब अखबारों में छपी और नेहरू जी ने उन्हें पढ़ा तो उनका जो हृदय था वो कांप गया और वो कहाँ चले गए? वो अमृतसर चले गए। अमृतसर उन्होंने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा तो उनकी जो आंखें थी वो नम हो गई। किस अंग्रेजी हिंदुस्तान में रहेंगे तो ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। कब की गई असहयोग आंदोलन की घोषणा? 1921 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। उसके बाद क्या हुआ? घोषणा करने के बाद नेहरू जी ने अपनी उनकी जो बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी और वो खद्दर पहनने लगे, चरखा काटने लगे, गांव गांव घूमने लगे कि लोगों को बताने लगे कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे हमारा ये होगा। तो उनके आंदोलन में सम्मिलित होने के बाद उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू भी आंदोलन में चले गए। ठाठवाद की जिंदगी छोड़कर उन्होंने भी सादगी का जीवन अपना लिया। क्यों? किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? युग पुरुष नेहरू जी के पिताजी थे। उनका जो पूरा परिवार था वो इसी में शामिल हो गया। जो विदेशी कपड़े थे वो पहनने छोड़ दिए और जो खद्दर के जो कपड़े थे, खादी के जो कपड़े थे वो पहनने लग गए। जो गरीब, मतलब कि जो नेहरू जी थे वो गरीब लोगों को और किसानों को अच्छी अच्छी बातें बताते, उनको कपड़े देते, उनको दान करते, वो सब चीज़ें करने लगे। कष्टों की आग में जलकर उन्होंने अपने सवालों के उत्तर खोजे। उन्होंने खूब मेहनत की अपने सवालों के उत्तर खोजने के लिए और फिर उन्होंने एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो जो युग पुरुष नेहरू जी हैं, आज़ाद हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान आज़ाद है, हिंदुस्तान के किसान सुखी हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी जो है वो इतिहास के पन्नों पर छिपी हुई है। तो बेटा ये है हमारा लेसन नंबर 11। अब हम इसी लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग। बैरिस्ट्री, वकालत, मन कांप उठना, भयभीत हो जाना, मृत, मरा हुआ, व्याकुल, दुखी, व्याख्यान, भाषण, आकुल, घबराया हुआ, कदम से कदम मिलाकर चलना, सहयोग देना, दर्दनाक, दुख भरा, असहयोग, साथ न देना, कुटुंब, परिवार, मैले कुचैले, गंदे, रुग्ण, रोगी, अन्नदाता, अनाज प्रदान करने वाला, कदाचित, शायद, सुअवसर, अच्छा मौका, बागडोर, नियंत्रण, भयानक, डरावना, अक्षुब्ध, निराशा भरा, गुस्सा, सम्मिलित होना, शामिल होना। जो अब हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। किसानों को देखकर नेहरू जी क्या सोचते थे? किसानों को देखकर नेहरू जी सोचते थे कि जो लहू की बूंद पसीने के रूप में बहाने वाले किसान मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनते हैं? सिद्धार्थ की तरह नेहरू जी के मन में क्या प्रश्न उठते थे कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन गांव में रहने वाले लोग मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनते हैं? बांकीपुर अवाधिवेशन में नेहरू जी को निराश क्यों होना पड़ा? क्यों निराश हुए थे वो जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि जो लोग भाषण दे रहे हैं वो भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं और अंग्रेजी वेशभूषा उन्होंने पहनी हुई है कि यहाँ पर हमारे जो मेरे जो क्वेश्चन है, मेरे जो पर्सन है उनका आंसर नहीं है। नेहरू जी को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्यों किया गया था नेहरू जी को गिरफ्तार? क्योंकि वो आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे तो इसलिए नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो बेटा इस लेसन को आपने रीड करना है, वर्ड मीनिंग और जो मौखिक क्वेश्चन आंसर है वो आपने लर्न करने, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।